इतनी जल्दी वक्त कट गया पता ही नहीं चला, है ना? हाँ समिधा, प्यार में ऐसा ही होता है, वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने सोच लिया है, शादी वाले दिन में हम दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहनेंगे। मैं मरून और क्रीम कलर का लहंगा पहनूंगी और तुम क्रीम और मरून कलर की शेरवानी। हाँ, बिल्कुल स्कूल ड्रेस जैसा लगेगा, है ना? तुम भी ना हर बात का मजाक बना देते हो। जाओ अभी सेम कलर पहनना कैंसिल। लेकिन मैं तो मरून और क्रीम कलर का ही लहंगा पहनूंगी। लेकिन मेरी ड्रेस तुम्हें पसंद करो, समझी? सच्ची? क्या हुआ समिधा? मेरे पैरों के नीचे एक बड़ी सी मछली फंसी हुई थी। कोट है किसी का यार, इसकी स्लीव कैसे फटी हुई है? फटने गिरे बाबा, सार्क मछली खा गई है इस आदमी को। हाँ अच्छा, कुछ है यहाँ पे? एसीपी प्रद्युमन, क्या मस्त खुशबू आ रही है ना सर? हाँ बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बोलते सर, कुछ खा ले, है ना? हाँ, मेरी मॉम कहती है ज्यादा टाइम खाली पेट रहोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? जरा ये स्केचेस देखिए, इनमें से कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है रेस्टोरेंट में? नहीं सर। जरा ध्यान से देख लो, कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ है इन्हीं लोगों का हाथ है उसमें। नहीं सर, इनमें से कोई भी मेरे स्टाफ का नहीं है। और जो आदमी गाड़ी पे था वो आपके रेस्टोरेंट के यूनिफॉर्म पहने हुए था। क्या? ओह माय गॉड, पर ये कैसे हो सकता है सर? ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मेरे पूरे एम्प्लॉयज को चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा। सर हो सकता है यहाँ के किसी स्टाफ ने किसी बाहर वाले को यूनिफॉर्म दे दिया हो। नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली काम खत्म होने के बाद हम सारे यूनिफॉर्म्स रख लेते हैं। अरे कोई स्टाफ वाला छुपा के ले गया होगा। सर हम काम खत्म होने के बाद एक एक चीज, चम्मच ग्लास प्लेट सब गिन के और चेक करके रख लेते हैं, यूनिफॉर्म्स भी। यूनिफॉर्म यही धुलते हैं क्या सर? अरे यार यूनिफॉर्म गंदी होती होगी, उसे धुलना सुखाना पड़ता होगा, लॉन्ड्री में जाती होगी ना? हाँ सर। हाँ अभिजीत, ये हो सकता है लॉन्ड्री में किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। कौन सी लॉन्ड्री में जाते हैं आपके कपड़े? ये देखो, इन चारों में से किसी को पहचानते हो? सर ये तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अनूप को जानता हूँ सर। अनूप नाम है, कहाँ पे है ये? साहब अभी कपड़े की डिलीवरी लेके गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन साहब ये तो बताइए कि अनूप ने किया क्या है? क्या किया है सुनोगे तो हिल जाओगे, समझे? कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ तो इन्हीं चारों ने किया था। हे भगवान, तभी कल अनूप काम पे नहीं आया था, जब आज मैंने पूछा तो कहने लगा कि उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, उसे वो हॉस्पिटल लेके गया था। काम पे रखते वक्त वर्कर्स का बैकग्राउंड नहीं चेक करते तुम? नहीं सर, लेकिन आगे से रखूंगा सर। आगे से क्यों, आज से, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी से पूछताछ करो उन सब के बारे में, समझे? अरे साहब वो देखिए अनूप आ गया। जी, तुम्हारे बाकी तीन साथी कहाँ हैं? कौन साथी सर? फट बोल, क्यों रखा था मॉल में बॉम्ब? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर सर हमने कोई बॉम्ब नहीं रखा था सर। लगता है जो खुराक दिया उससे पेट नहीं भरा। सचिन चारों को उल्टा लटकाओ, अब मना मत करो इनके। सर पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपकी जो मर्जी कर लेना सर। सर हम बेकसूर हैं सर, सर हमें नहीं पता था उस सूटकेस में बॉम्ब है सर। सर हमें तो इस अनूप ने कहा था कि उस सूटकेस को मॉल में रखना है सर, और इसके लिए इसने हमें 10,000 रुपये भी दिए थे सर। सर मुझे भी नहीं पता था सर उन सूटकेसेस में बॉम्ब है सर, मुझे किसी ने बोला था उस सूटकेस जो है मॉल में रख देना, कोई आकर ले जाएगा। किसने कहा था तुमसे? नकुल ने। सर मैं किसी नकुल को नहीं जानता सर, मुझे किसी अजनबी आदमी ने कॉल किया था और कहा था कि
वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो तुमसे मिलने आया? जी हाँ सर, वो आया मिलने। कहाँ मिला वो तुमसे? सर उसने मुझे कॉल करके लॉन्ड्री शॉप के बाहर बुलाया और सर एक बैग दिया, बोला ये तुम्हारे काम का इनाम है और बोला अपने जैसे दो तीन लोग और जमा कर दो। नहीं पता था वो बहुत। सचिन एक काम करो, उस लॉन्ड्री शॉप के आसपास कितने सीसीटीवी कैमरा से वो देखो और फुटेज मंगवाओ। चल बेटा जल्दी कर, जल्दी कर, आज का स्पेशल मोमोज चलाओ। सलाम साहब, बताइए साहब क्या खाएंगे? ये वाला देखिए साहब, बहुत बढ़िया है। एसीपी को तो मार दिया है और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया। अरे भाई मेरा ऑर्डर तो लेके आओ। लाया लाया लाया, इनका तो खत्म हो जाए, अभी लाया। एक बड़ा काम बचा है जिसे मुझे आज ही खत्म करना है। हम तैयार है बॉस, आप सिर्फ इशारा कर देना। मेरे लिए बोट रेडी रखना क्योंकि मुझे आज शाम को यहाँ से निकलना। मेरी नाव लेके गए थे वो लोग, लेकिन शार्क मछली उनके साथ साथ मेरी नाव भी निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ अता पता है नहीं, जो मम्मी आया बोल दिया। साहेब बोट की हालत तो देखिए, अगर बच गए होंगे ना तो ये वाला हाथ उनका शार्क मछली खा गए होगी। अच्छा तुम्हारी नाव लेकर गए थे ना, तो जाने से पहले कुछ कहा था उन लोगों ने तुमसे? नहीं साहब। तुम क्यों नहीं गए अपनी नाव के साथ? मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं लेके गए। एसीपी साहब का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। यार भी था उनके साथ? नहीं साहब, लेकिन एक लड़की थी, लेकिन वो नाव पे तो नहीं गई थी। तो वो लड़की कहाँ है? पता नहीं साहब, उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ साहब। ठीक है फ्रेडी, इसको लेकर जाओ, स्केच बनवाओ उस लड़की का। ये वो आदमी? सर यही है वो आदमी, लेकिन इससे पहले मैंने उसके सर कभी देखा नहीं। इस बैग में क्या है? सर इस बैग में पैसे थे सर। सर घर जाकर जब मैंने बैग खोला तो सर उसमें 50,000 रुपए थे। सर वो शादी का वो कार्ड वाला लिफाफा होता ना सर, सर उसके अंदर पैसे थे। सर शादी के कार्ड के लिफाफे में पैसे देने का क्या मतलब? मतलब ये कि मुजरिम कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करता है। कहाँ है वो लिफाफा? सर वो घर पर है सर। सर सर ये लड़की एसीपी सर के साथ थी। यही है ना वो? हाँ साहब, सो आने सच यही है। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। सर ऐसा कौन हो सकता है ये आदमी, और ऐसा क्या कहा इसने एसीपी साहब से कि एसीपी साहब नाव लेके बीच समंदर में चले गए? इस सब के पीछे उस नकुल का ही हाथ होगा। एक बार वो हाथ लग जाए सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। ये रहा वो कार्ड जो नोप ने हमें बताया था। वैसे बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े से सिर्फ पटोरा का नाम लिखा है। हो सकता है अनूप को ये पैसे इस पटोरा ने ही दिया हो। लेकिन सर इस पर इसका एड्रेस तो नहीं है, हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे पूर्वी, शादी वाले घर का एड्रेस है ना, अगर उन्होंने पटोरा को इनवाइट किया है तो पटोरा को जानते भी होंगे। अरे रे 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 भाई साहब बहन जी, अब रोने से क्या फायदा है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि उस घर में आप लड़की का रिश्ता मत कीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं? मानी ना, देख लिया ना कि लड़के वालों ने क्या किया। हाँ कम्मो, हमने तुम्हारी बात पे गौर नहीं किया था, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाभी जी घबराने से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी चाची की बेटी के बेटे का पोता है। अगर आप कहेंगी ना तो मैं उससे इसकी शादी की बात करूंगी, चट मंगनी और पट ब्याह। बस चाची जी, मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, जहाँ आपने रिश्ता तय किया हो। देख रहे हैं ना भाई साहब,
हम जिसे पसंद करते हैं इसे वो पसंद नहीं है, और जिसे ये पसंद करती है वो लड़का इसे छोड़कर इसकी सहेली के साथ भाग गया। कम्मो, तुम बुला लो उन्हें, दो ही दिन में इसकी शादी कर दी जाएगी। सुनिए। हाँ जी। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? हमें एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। किसके बारे में? इसके बारे में। सर ये तो वो कम्मो, ये तो वो। सर ये मेरे चाची की बेटी के बेटे के फ्रेंड का वो चचेरा भाई है सर, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? कल मॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें शायद इसका भी हाथ है। देखा बाबा आपने, चाची जिससे मेरी शादी करा रही है वो एक मुजरिम का दोस्त है। दोस्त ऐसा है तो वो कैसा होगा? क्या बात है, क्या हुआ? सर एक्चुअली इसकी शादी टूट गई है इसलिए वो अपसेट है। एक मिनट, फोटो देखिए, बताइए ये है भटोरा? नहीं सर। हाँ। क्या हाँ या नहीं? यस सर, यही है पटोरा। हमें इसका एड्रेस चाहिए। मैं अभी लेके आती हूँ सर। प्लीज। ध्यान रखो अभिजीत, नजर रखना, किसी पे भरोसा मत करना। क्या हुआ सर? सर इस नंबर पे फोन लगा। हेलो, हेलो। फोन तो उठाए लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। आसपास कुछ आवाज। पानी की आवाज आ रही है सर। पानी की आवाज है। हेलो, कट गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। तो एसीपी साहब मैसेज भेज रहे हैं। सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एसीपी साहब फोन क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रहा यार। सर ये लीजिए, ये है पटोरा का एड्रेस। सॉरी बोला ना, आज मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर ही देता हूँ, तुम्हारी कसम। मत कहो ये मेरी झूठी कसम, 10 बार मेरी झूठी कसम खा चुके हो और अभी तक तुमने वो नेकलेस ला के नहीं दिया। बेबी थूक दो ये गुस्सा, आज मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही देता हूँ वो नेकलेस। पक्का? हाँ। जो नेकलेस ला के दोगे? आज ही। अच्छा वाला। क्या क्यों कूद रहा है, कहाँ भाग रहा है? कौन है ये लोग पटोरा? सीआईडी, जानती हो कौन है ये? हाँ पटोरा। और काम क्या करता है ये मालूम है? खुद का बिजनेस है। मुजरिम है ये, कल मॉल में इसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बेबी बेबी मत जा बेबी। अरे बेबी के पापा, मॉल क्यों उड़ाया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर। चुप। जिस तरह मॉल उड़ाया ना तूने, तेरे घर के साथ तुझे भी उड़ा दूंगा यहीं पे। सर गाड़ी में 8-10 बॉम्ब पड़े हैं, अगर आप कहें तो ले जाके उड़ा दूं इसे। अरे निखिल अब पूछने की क्या जरूरत है, जब बॉम्ब मॉल में फट सकता है तो यहाँ तो फट ही सकता है। उड़ा उड़ा दो। नहीं सर, सर मैं बता दूं, मैं बता दूं सर, मीता के कहने पे मैंने वो बॉम्ब रखवाया था। सब बहुत लंबी चेन है इनके। ये मीता कौन है? सर मैं उसके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं उसके बारे में सर। ये है मीता? नहीं नहीं सर, ये नहीं है। इसे तो जानते होगे ना, नकुल नाम है इसका। नहीं। कहाँ मिलेगी मीता? सर मैं उसे मिलने के लिए शिव सागर बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाता था, वो कहाँ रहती है मैं नहीं जानता हूँ। शिव सागर। सर यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे पटोरा मीता को मिलने आता था। वॉचमैन से पूछते हैं। अरे वॉचमैन सुनो जरा,
ये मीता इसी बिल्डिंग में रहती है क्या? साहब मैं कुछ नहीं बता सकता साहब, मुझे मना किया गया है कि बाहर के लोगों को यहाँ सोसाइटी के लोगों की बात ना बताई जाए। ओह, लेकिन यार तुमने तो बता दिया कि मीता मैडम इस बिल्डिंग में रहती हैं। अब ये भी बता दो कि कौन से फ्लोर पे रहती हैं। साहब मैंने बोला ना, मुझे मना किया गया है। देखो सीआईडी को तो बताना ही पड़ेगा ना। सीआईडी? साहब आप लोग सीआईडी से हो? सलाम साहब। साहब क्या है कि सीआईडी से हो तो बताना ही पड़ेगा साहब। साहब मीता मैडम पांचवें फ्लोर पर रहती है। अच्छा इस आदमी को देखो, इसे यहाँ कहीं देखा है तुमने? साहब इसे कौन नहीं पहचानता साहब, एक नंबर का खड़ूस आदमी है, खड़ूस। अक्सर दो चार दिन पर ये मीता मैडम से मिलने आता है साहब। अच्छा ठीक है, हम भी मिल लेते हैं मीता मैडम से। साहब मीता मैडम घर पर नहीं है साहब। वो कहाँ गई होंगी, कुछ बता सकते हो? साहब वो क्या है कि डेली दो तीन घंटे के लिए मीता मैडम बाहर जाती है। एक मिनट साहब। साहब इस वक्त तो आ जाती थी वो। अच्छा देखो जी, हम वहाँ सामने गाड़ी में बैठे हुए। जी साहब। मीता मैडम है तो इशारा कर दे। जी साहब जी। कहाँ जाती है, क्या पता नकुल से मिलने जा रही है। पास नहीं सचिन, थोड़ा पीछे रखो। तो ये जिस गली में अंदर जा रही है वो आगे रास्ता नहीं, सिर्फ समंदर है। समंदर है या नहीं लेकिन नकुल हो सकता है वहां पे। चंदू, नकुल कहाँ? और इसे ये गन क्यों दी? थैंक गॉड, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मैं बच गई। क्या कह रहे हो तुम? मुझे अरेस्ट करके आप लोगों ने बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। अगर आप मुझे अरेस्ट नहीं करते तो मैं फिर कोई जुर्म कर बैठती। अच्छा? हाँ सर, मैं सही कह रही हूँ, मैं बहुत मजबूर थी। नकुल बहुत खतरनाक है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पकड़ी गई तो ड्रामा करने लगी? नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैं क्या करती, मुझे नकुल ने धमकी दी थी
ये अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे पापा को मार डालेगा। ये नकुल तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? मुझे नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। उसने बस मुझे इतना कहा था कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसका साथ दे सकती हूँ। ये लड़की तुम्हारे साथ काम करती है? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। अब ये नकुल कहाँ मिलेगा? कोई भी नहीं जानता, वो हमेशा अपना नंबर और अपना ठिकाना बदलता रहता है। किसी को नहीं पता कि वो अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या करेगा। और चंदू, ये गन किसके लिए लेके जा रहे थे तुम? सर, एक सुनसान फैक्ट्री में मुझे किसी को मारने के लिए कहा था नकुल ने। ठीक है, ये गन लेके जाओ और मार दो उसको। निकलो। देखते हैं कहाँ जा रहा है और किसको मारते हैं। फिर से एसीपी साहब का मैसेज। अभिजीत, किसी पे भरोसा मत करना, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है, खतरनाक। एसीपी साहब चाहते क्या है, है कहाँ पे? सीधे चलते रहो। हैं? बताओगे नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें? बोल दिया ना, चुपचाप चलते जाना। ए, कौन है तू? हाँ, दो क्या भी कान खींचे लगा के, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बता जल्दी कहाँ जाना है। एसीपी प्रद्युमन हूँ मैं, सीआईडी से। सर, सर, सर मुझे माफ करना सर, पता नहीं था। अब जल्दी भगा गाड़ी, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। चलता हूँ सर। सर, यही बार वो आने वाला है जिसे मारने के लिए नकुल ने कहा है। सर से जरूर बताऊंगा कि एसीपी साहब कहां पे है। एसीपी साहब के बारे में भी और नकुल के प्लान के बारे में भी। सर, ये तो वही लड़की है जिसका स्केच बोट वाले ने बनवाया था। सीआईडी, एसीपी साहब कहाँ है? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो तुम। तुम एसीपी साहब के साथ थी, एक बोट वाले ने तुम्हें देखा उनके साथ। हाँ, मैं उनके साथ गई थी, लेकिन एसीपी सर ने मुझे वापस भेज दिया था। नकुल से मिलने समुद्र में वो अकेले ही गए थे, उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। देखो, नकुल तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारने के लिए उसने चंदू को भेजा। तुम्हें जो कुछ भी मालूम सच सच बता दो। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस एक प्राइवेट नंबर से फोन आया कि कोई जरूरी बात करनी है और मैं यहाँ आई। अब तुम समझ गई ना, उसने तुम्हें या तुम्हें मारने के लिए बुलाया। नकुल कहाँ है, क्या प्लान है उसका, कहाँ कहाँ ब्लास्ट करने वाला है? सर, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हाँ, जब वो मुझसे बार में मिलने आया था ना, किसी रोसली पार्क के बारे में बात कर रहा था। रोसली पार्क।
जल्दी आओ। कम ऑन सीआईडी, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे ये। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम सबको भगाकर, अब तो मुझे और भी मजा आएगा। देखते रहना मैं आगे क्या क्या करता हूं। पूर्वी सर, ये सारी रेजिडेंशियल एरिया पूरा खाली कराओ, तुम लोग जाओ जल्दी से, देखो बम। ए सुनो जी, आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है, आप उस तरफ जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है, आप लोग बाहर निकलिए जल्दी। मैडम बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैडम मैडम बिल्डिंग से बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। आप लोग सब सब बाहर बाहर निकलिए, बाहर। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। इधर इधर चेक करिए, इधर चेक करिए, आप इधर प्लीज, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं सीआईडी से हूं, इमरजेंसी है, ये फ्लोर खाली करिए जितना जल्दी हो सके, प्लीज 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 प्लीज। साहब इतना ही गार्ड्स है, सबको बुला लिया। तुम लोगों की बिल्डिंग में कोई अजनबी आदमी तो नहीं गया आज? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को देखा जिस पर शक हो, कुछ गड़बड़ दिख रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। क्या हुआ? अंदर कहीं भी बॉम्ब नहीं है। मैडम उस तरफ भी कहीं बॉम्ब नहीं है? नहीं, चलिए। बॉम्ब का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो बॉम्ब मिला नहीं है। यहाँ भी चेकिंग चल रही है और सर, मैं सारी बिल्डिंग चेक कर ली, कोई बॉम्ब नहीं। इधर भी चेक कर लिया लेकिन बॉम्ब नहीं मिला सर। अरे उसने रोजली पार्क बोला था, अगर यहाँ पे बॉम्ब नहीं है तो उसने बॉम्ब कहाँ रखा होगा? कहीं उस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं जहाँ कोई नहीं रहता है? लेकिन सर ये बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई बॉम्ब क्यों रखेगा? अरे बॉम्ब पावरफुल हो तो आसपास की बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, उसे तो बॉम्ब रखने की जगह चाहिए थी बस। हाँ बिची, यही होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ बॉम्ब रखने से कोई शक नहीं करेगा। पूरी बिल्डिंग चेक करिए, आप लोग उधर जाइए जल्दी, आप इधर आइए। लेके जाओ जल्दी, उठो। सर, कामिया ने तो कहा था कि काफी बड़ा बॉम्ब है। सर, ये तो छोटा सा धमाका था। बॉस, लगता है ये ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। हो सकता है,
किसी और जगह बड़ा कुछ करने वाला है। पता लगाना पड़ेगा कि नकुल के निशाने पे कौन सी जगह है। कहाँ चल दिए? मैं आऊं। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद, नहीं? चौंक गए ना मुझे देखकर? हाँ, चौंक तो गए। मगर अब चौंकने की बारी तुम्हारी है। सब लोग साथ में मरना चाहते, मेरा तो काम आसान हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए रुक! जयंती जयंती ठीक हो तुम? ओहो, क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी हा? चेरी चेरीज खाओगे? चेरी खाओगे? ना 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 ना, ना। अभी तो आप लोगों को पेट खाली रखना है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सीआईडी वालों को तड़पते हुए देख। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब ना मैं एक खेल खेलूंगा। बम 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 बम। रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा, लेकिन ऊपर जाने का तुझे मारे बिना हम लोग मरने वाले नहीं। एए! ये गलती मत करना। एसीपी के दुलारे हो ना तुम दोनों। सबसे पहले तुम दोनों जाओगे। आप जिंदा हैं? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं, समझे? ओके बास, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा ही होगा ना। तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। पर आप जिंदा कैसे बचे? मैं आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ। सर नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो। सर वो किसी का सगा नहीं है। उसका एक ही उसूल है, पहले काम खत्म, और काम खत्म करने के बाद काम करने वाला आदमी खत्म। ना तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं, और ना मुझे कुछ होगा। बीच समुंदर में बुलाया है ना उसने मिलने के लिए। गुड बाय डैड।
डैड आपने मुझे गोली मारी, मैं बच गया। मैंने आपको गोली मारी, आप भी बच गए। तो हिसाब बराबर हो गया डैड। आप फिर भी मुझे मारोगे? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें मरना ही होगा। रोक कर, रुक जाओ। और नहीं भागेगा तू। जरा भी चालाकी की ना तो गोली तेरे सीने में गाड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मुझे माफ कर दो डैड। माफी मांगने का हक तो तुमने उसी वक्त खो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। वो मेरी नादानी थी डैड, बेवकूफ था मैं। आप अपने बेटे पर कैसे गोली चलाएंगे? उसी तरह जैसे और मुजरिमों पर चलाता हूं गोली। सिर्फ एक मौका दीजिए डैड, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सच डैड, मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। माफ कर दो डैड। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? आपसे मैं माफी मांगूंगा? मैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था डैड। हाँ, अब तो आप गए डैड। एसीबी प्रद्युमन को गोली सीधे यहां लगेगी। कैसा बेटा तू? अपने पिता को मारना चाहता तू? नहीं दया, ये मेरा बेटा नकुल नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये बहरूपिया है अभिजीत, बहरूपिया है ये। आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है, मेरे बेटे नकुल की नहीं है। चेरी खाने का बहुत शौक है तुझे ना? उठ। कौन है तू? बोल। हरिया का बेटा जिन्हें एसीपी सर ने मार डाला था। रुक जाओ हरिया, हरिया रुक, हरिया रुक, हरिया मत करो ये। मुझे मारना इतना आसान नहीं है एसीपी।
और मुझे अनाथ कर दिया था। सारी जिंदगी मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैंने भी सोचा और एसीपी साहब का बेटा बनकर इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उसके गुनाहों ने उसे मारा है। उस कानून ने उसे वो सजा दी है, वो कानून जो हमारी देश और समाज की सुरक्षा के लिए बने हैं। तुम्हारे बदले की आग ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें फांसी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।